एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी, या तो आप भोग वासनाएं सहन कर लो या भगवान की पनिशमेंट सहन कर लो। दो ही ऑप्शन है, सहन तो करना ही पड़ेगा। अब पनिशमेंट सहन करोगे तो थोड़ा सा दर्द भी होगा, मगर भोग वासनाएं सहन कर लोगे तो ठीक है, तो आप बिना दर्द के, बिना ज्यादा प्रॉब्लम के आगे बढ़ सकते हो। सो बट अगर आप भक्ति में सहन नहीं करोगे तो संसार में सहन करना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं यहां पर, चिंताओं से भरा कष्टमय बन जाता है। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो संसार का कष्ट सहन पड़े करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करेंगे तब भी सहन करना पड़ेगा, संसार का कष्ट नहीं, भोग वासना है। वो नहीं करेंगे, भक्ति ऐसे ही करते, लोग जो बीच का रास्ता निकालते हैं, ना संसार को एंजॉय करेंगे और ना भक्ति सही से करेंगे, बस भक्ति करते रहते हैं बीच में, ठीक है चलते रहते हैं, तो भगवान की पनिशमेंट सहन करनी पड़ेगी। भगवान कुछ तो करेंगे, मगर भगवान की पनिशमेंट भी ऐसे पनिशमेंट नहीं होती। वो भगवान की पनिशमेंट होती है कि भगवान पनिशमेंट देते हैं मगर इस तरह से देते हैं कि पनिशमेंट के बाद जो ब्लेसिंग्स होती है, वो जो आपको पनिशमेंट से पहले ब्लेसिंग्स दे रहे थे उससे करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुरी आदतें हैं और जो बुरी जो हैबिट्स हैं वो छूट जाती हैं, आपकी इंद्रियां धीरे धीरे वश में, भगवान आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने लगते हैं। सो भक्त के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है नहीं?